शो में मायके चली जाऊंगी में चल रहा है ट्विस्ट भरा इमोशनल ड्रामा, जहां समर को हो रहा है अपनी गलती पर पछतावा और जया से मांगना चाहता है वो अपनी हर गलती की माफी, लेकिन जया तो फोन ही नहीं उठा रही। प्लीज जया, प्लीज पिक अप द फोन यार, एक बार मुझे तुमसे माफी तो मांगने दो यार। समर बेटा, क्या हुआ? जया फोन नहीं उठा रही। अब कैसे समझाऊंगा उसे, और अब तो मानेगी भी नहीं। एक तो उस दिन मैंने उसे इतना कुछ सुना दिया, और आज जज के सामने भी मैंने उसे क्या किया मैंने यार। But I have done, everything is finished, सब खत्म कर दिया मैंने। देख समर, तू कोशिश कर, कैसे भी करके जया को मना दो। जिसे तू उसे प्यार करता है ना, वैसे वो भी तुझसे प्यार करती है। और जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ गलतियों को और गलत फहमियों के लिए ज्यादा जगह नहीं होती बेटा। परेशान समर को समझाती है उसकी माँ, लेकिन समर के सामने तो है बड़ी समस्या कि जब जया फोन ही नहीं उठा रही तो कैसे मनाए वो अपनी रूठी बीवी को। कैसे मनाऊं, कैसे समझाऊं, फोन तो उठा एक बार। अगर वो फोन नहीं उठा रही है तो जाके मिल उसे। क्या बोल रहे माँ, सत्या मैम मुझे जैसे मिलने देंगी अब? और सत्या जी को पता ही ना चले तो? देख बेटा, ये तुम दोनों के बीच की बात है, उसमें तीसरा क्यों बीच में आए? माँ की इन बातों को समझते हुए समर भी जा पहुँचता है जया के घर, जहाँ जया को भी याद आ रही होती है समर की। तभी तो जैसे ही जया की माँ उसको कहती है कि समर आया है उससे मिलने, देखिए कितनी खुश हो जाती है ये बीवी। तो चलिए जानते हैं समर से शो में चल रहे इस इंटरेस्टिंग ड्रामे के बारे में। हाँ समर, अब समर नहीं रहा, समर बदल गया है। अभी समर की लाइफ की एक जर्नी दिखा रहे हैं कि कैसे वो एक सॉफ्ट सा लड़का कैसे कैसी सिचुएशन में आगे कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो अभी समर बहुत परेशान है कि उसकी वाइफ और मतलब जया और समर तो सेपरेट होने वाले हैं या हो जाएंगे, तो सिचुएशन अभी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारी हुई है समर की लाइफ में, तो बहुत सैड है। आप लोगों के बीच आखिर किस बात को लेकर हुई मिसअंडरस्टैंडिंग कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई? बात ये हुई थी कि जो मेरी बहन है सारिका, उसका घर टूटने वाला था जया और उसकी मॉम की वजह से, यानी कि मेरी सासू माँ की वजह से। तो उसमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो बाकी नॉर्मल हस्बैंड्स को भी होती हैं, हर घर में होती हैं। तो वैसी मिसअंडरस्टैंडिंग समर को हुई और उसने रिएक्ट किया उसमें। तो कुछ कुछ जगह पर रिश्ते टूट जाते हैं, कुछ जगह बच जाते हैं। तो हम बस इस शो के दौरान यही दिखाना चाहते हैं कि कहाँ गलतियाँ होती हैं। अजी समर, हम तो यही कहेंगे कि बात छोटी सी है, जल्द से अपने बीच हुए इस मिसअंडरस्टैंडिंग को आप कर दें खत्म और पहले की तरह वापस रहने लगे आप दोनों प्यार से।